लॉकडाउन के टाइम हम लोग सब घरों में बंद थे, लेकिन ज़रूरी था मास्क पहनो। वो जो एक आर्टिस्ट होने के नाते वो जो हमें बाज़ार में मास्क मिलते हैं ना, वो नीले रंग के हरे रंग के, वो पहन के मतलब एक तो वो कंफर्टेबल नहीं होते, उन्हें पहन के वैसे भी इरिटेशन होते हैं क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा होता है। तो हमने सोचा कि एक तो लोगों को काम मिलेगा, मास्क बनाए जाएंगे, तो फिर हमने लोगों से हेल्प लेके मास्क बनवाए और बांटे भी। फिर कुछ टाइम बाद लगा कि बहुत ज़्यादा ना खाली खाली सा लग रहा है, तो मतलब मैसेज नहीं जा रहा, कुछ लोग नहीं पहन रहे हैं। तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक छोटी छोटी चीज़ें बनानी शुरू की, धीरे 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 एक मैसेज देना शुरू किया। मतलब वो जब चीज़ सुंदर भी लगने लगी, और क्योंकि एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया, हर चीज़ के साथ मास्क लगाना ज़रूरी है। तो जब फिर हमने धीरे धीरे पेंट किया, हर एक एक्सप्रेस करना शुरू किया कि लगाओ, मतलब जब वो सुंदर लग रहा तो हर हर बंदा उसको एज अपने कपड़ों के साथ मैच भी करने लगा, और एक सोशल मैसेज भी दे सक दिया हमने। हमने एप्रन्स भी पेंट किए, और ऐसे और लोग हमारे साथ जुड़ते गए, और एक ना कड़ी सी बनती गई। तो ऐसे स्टार्ट हुआ हमारा। अब धीरे धीरे जैसे हम कुछ भी बनाते हैं, मैसेज देते हैं, तो लोग हैंड पेंटेड मास्क, काम भी मिलता है लोगों को, और हर बंदा अपने हिसाब से पेंट भी करता है, अपना मैसेज देता है। जरूरी नहीं है कि कोरोना का ही मैसेज, हर चीज़ का मैसेज दे सकते हैं हम। ये धोने वाले होते हैं, और हम इसमें जो फैब्रिक पेंट यूज़ करते हैं वो वॉशेबल होता है, वो कभी ख़राब नहीं होता, और इनको हम मतलब रोज़ रोज़ भी धो सकते हैं, कुछ इसमें ख़राब नहीं होता। कॉटन से बने होते हैं ये, ब्रीदेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, वो ज़्यादा उसका है फ़ायदा है। ये जो मैंने पहन रखा है, इसमें स्टे होम स्टे सेफ का मैसेज था कि घर रहो, नेचर के साथ जुड़ो, और घर में ही खुश रहने की कोशिश करो, मेडिटेट करो, योगा करो, खुश रहो, प्लांट्स उगाओ, और कुछ क्रिएटिव करो, ये मैसेज दिया था। तो उसके बाद हमने ये कोरोना की वैक्सीनेशन पे मैसेज दिया है कि कोरोना की वैक्सीनेशन लगवानी बहुत ज़रूरी है, तो गेट इम्यूनाइज्ड, मतलब जब हम पहनेंगे तो चार लोग देखेंगे, उन्हें भी समझ आएगी, और इससे डरना नहीं है और वैक्सीनेशन लगवानी है।